हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे सरसों का साग। उसके लिए मैंने पाव भर पालक और आधा किलो सरसों लिए। सरसों हमें पालक पत्ते पालक की तरह चिकने हों, ये देखिए आधा किलो सरसों, पाव भर पालक, इनको मैंने साफ कर लिया है। अब इनको धो के काटेंगे। अब हम इसे चाकू की सहायता से काटेंगे, इस तरह पकड़ के हम इसे बारीक काटेंगे। दिखाती हूँ किस तरह। इसी तरह हम सरसों और पालक को काट लेंगे। पालक और सरसों को काट लिया है इस तरह। इसे मैंने कुकर में डाल दिया है। अब हम इसे उबलने रखेंगे। उबलने से पहले हम इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को काट के डालेंगे। मैंने थोड़ा लहसुन काट लिया है, थोड़ा तड़के के लिए रख लिया है। इसे हम डालेंगे साग में। ये मैं आधा लहसुन डाल रही हूँ। एक हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी उबलते समय। अदरक भी मैंने साग में डाल दी है। अब हम पानी को उबालने के लिए पानी डालेंगे। एक गिलास भर के मैंने पानी लिया है। हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि साग भी पानी छोड़ता है। अब ढक्कन मैंने 8-10 लहसुन की कली ली, मैंने 10-12 लहसुन की कली ली है। एक अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्चें, मिर्च स्वाद अनुसार है, 3 प्याज है, 2 टमाटर है। इन सबको छील के धो के साफ कर लिया है। अब हम इसे काटेंगे। टमाटर प्याज को काट लिया है। सभी चीज़ों को छोटे टुकड़े में काटना है। ये देखिए मैंने टमाटर प्याज मिर्च लहसुन अदरक को काट लिया है। सभी चीज़ों को अलग अलग काटा है। इसी तरह हमें काटना था। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ढक्कन बंद करके मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है। गैस को पहले फुल पे रखेंगे। पहली सीटी फुल पे लगाएंगे। अब 2 सीटी स्लो गैस पे लगाएंगे। इस तरह हम 3 सीटी लगाएंगे। कुकर को खोल के देखेंगे। ये देखिए कुकर को खोल, ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि हमने पानी कम डाला था। साग भी पानी छोड़ता है, इसी तरह हमें गलाना था। ये देखिए की सहायता से मैंने इसे मैश कर लिया इस तरह दबा दबा के। ये देखिए हमें इतना ही पानी रखना था इसमें। मैंने पानी ऊपर से कोई नहीं डाला है। उबलते समय जो पानी डाला है वही पानी है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं और नहीं तो इससे मक्खन बनाने वाली मथनी से मथ भी सकते हैं। मैंने इसे चमचे से मैश कर लिया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। हमने फिर से इसे गैस पे रख दिया है। उबलते समय हमने 1 गिलास पानी डाला था, वही पानी है। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया है। मैं इसमें 1 चम्मच आटा ले रही हूँ। इस चम्मच से इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, 1 कप के करीब, चाय के कप से। चाय के छोटे मग से मैंने पानी लिया है। 1 चम्मच आटे को घोल लिया है पानी में इस तरह। इसमें डली नहीं रहना चाहिए, हमारा आटा एकदम मिक्स हो जाना चाहिए पानी में। अब मैं इसमें धीरे धीरे डालूँगी। इसको हम इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि जो हमने आटा डाला है वो लगे ना। साग को हम इस तरह चलाएंगे। आटा डालने के बाद हम चमचे से इसे चलाते रहेंगे ताकि साग लगे ना नीचे। इस तरह हम 5 मिनट इसे स्लो गैस पे पकाएंगे। जब तक हमारा साग पक रहा है स्लो गैस पे, मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे। उसमें मैंने 1 बड़ा स्पून भर के शुद्ध घी लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड तेल सकते हैं। इसमें घी गरम हो गया है। आधी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। घी गरम हो गया था, गरम हो गया। लहसुन डालेंगे,
लहसुन को ब्राउन होने देंगे। लहसुन ब्राउन होने लगा है, अदरक डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, प्याज डालेंगे, प्याज हमारी पक गई है। अब हम टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के मैं इसे ढक्कन लगा, टमाटर पकने के लिए मैं ढक्कन लगा रही हूँ। इसे 3 सेकंड के लिए हम ढक देंगे। 3 सेकंड हो गया है, ढक्कन हटा के देखेंगे, टमाटर हमारा गल गया है। ये देखें, अब हींग डालेंगे। हींग आधी चम्मच से कम है, साग में हींग ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अब हम मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा ही, आधी चम्मच से भी कम में हल्दी ले रही हूँ। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, अभी हमने साग में नमक नहीं डाला है, मैं आधी चम्मच से कम नमक ले रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार है, आप चाहें तो लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं, मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है। अब हम इसमें साग ऐड करेंगे, जो साग हमने कुकर में पकाया है। कुकर में आटा का आलन लगा के हमने जो साग पकाया है, अब हम उसे इसमें डालेंगे। अब इसमें साग डालेंगे, अब इसे हम 5 मिनट इसी तरह पकने देंगे स्लो गैस पे। साग ऐड कर दिया है हमने, ये देखिए साग का कलर कितना अच्छा है, एकदम ग्रीन। ये देखिए साग हमारा खोल रहा है, मैंने 2 मिनट इसे और पकाया है, साग हमारा पक गया है। तड़का लगाने के बाद 2 मिनट और पकाया है इसे, 1 मिनट और पकाएंगे, ढक्कन रख के ढक देंगे, ढक्कन से ढक देंगे। ये देखिए साग रेडी है, ये देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है। आप इसे गेहूं की रोटी या मक्के की रोटी से खाइए, यदि मक्के की रोटी से खाएंगे तो इसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। दोस्तों बनाइए, खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।